वफाकी बजट शानदार, कई छोटे कारोबार को सपोर्ट किया गया। ऑपोजिशन का एहतजाज और तरीकाकार समझ से बालातर है। ऑपोजिशन हकायक को मद्देनजर रखने के बजाय सिर्फ मनफी सियासत कर रही है। हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाकी बजट पढ़े बगैर ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद काबिले अफसोस है। पीपल्स पार्टी याद रखे कि इसे भी सिंध में बजट पेश करना है। वफाकी बजट में कमजोर और पसमानदा तबके का ख्याल रखा गया। इस टैक्स में जूता सस्ता, कपड़े सस्ते, पेट्रोल पहले ही सस्ता हो चुका है, घर सस्ता, ये आम लोगों की चीजें सस्ती हो गई हैं। और महंगी, अगर इनकी चीजें महंगी हुई हैं, मतलब इनको तकलीफ है। बैरूनी जो इम्पोर्टेड जो चॉकलेट्स हैं, जो बड़े वडेरों के बेटे खाते हैं, जागीरदारों के, चौधरियों के, नवाबों के, इन अफसरों के बेटे खाते हैं, उनसे तकलीफ है। ये 9% खसारे का बजट है। 9% खसारे के बजट का मतलब ये होता है जीडीपी के 9% ऑफ द जीडीपी। इसके माने ये है कि इस साल इतनी रिलीफ दी गई है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 12% है पाकिस्तान का, यानी 3/4 रेवेन्यू अगले साल की इस साल खर्च की जा रही है कर्जा लेके। अब इससे ज्यादा रिलीफ का बजट क्या हो सकता है।